उखलकांडा विकास खंड के गांव नरतोला में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि खाद्य विभाग की ओर से वितरित किए जाने वाले चावल में मिलावट की जा रही है। चावल की गुणवत्ता खराब होने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने चावल की गुणवत्ता पर सवाल भी खड़े किए हैं और जांच किए जाने की मांग भी कही है। पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू का कहना है कि खाद्य विभाग की ओर से वितरित किए जा रहे चावल की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, जिससे कि मामला साफ हो सके। RFCVL फिरमाल का कहना है कि चावल में किसी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं की गई है, बल्कि इसमें पौष्टिक तत्व है, और अगर लोगों को यदि फिर भी संशय है या कोई शक है तो इसकी जाँच जरूर की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह एक 45 राइस है। इसमें सूक्ष्म पोषण तत्व मिक्सर करके तैयार किया गया है। यह तत्व आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 इसका मिक्सर है। यह बिल्कुल लाभप्रद है। पाया गया है ग्राम नरतोला में और मेरे को सैकड़ों ग्रामीणों ने, वहां मैं गया था, उन्होंने मुझे घेरा और इस चावल की जांच कराने की मांग करी है। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि सरकार ऐसा अनाज नहीं बेच सकती है। लेकिन ऐसे प्लास्टिक के चावल के खिलाफ इसकी जाँच होनी चाहिए। हमने हर स्तर से इसकी जाँच की है, ये इसमें मिलावट है, तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं जागेंगे तो उसके बाद हम सड़कों